सो हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो लेक्चर ऑफ अल्फा फिजिक्स। आज हम पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट बाय मिक्सिंग मेथड एंड कैलोरीमीटर। तो आज के इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि मिक्सिंग मेथड के थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पेसिफिक हीट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये करने के लिए हमें जिस इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है कैलोरीमीटर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है कैलोरीमीटर, ठीक है। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये कैलोरीमीटर का स्ट्रक्चर आपको समझाता हूँ, तभी आपको बाकी सारी बातें समझ में आने वाली है। अब स्ट्रक्चर ज़रा ध्यान से समझना कैसा होता है, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो कैलोरीमीटर है, ये कैलोरीमीटर के अंदर आपको यहाँ पर एक कप दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर एक कप दिख रहा है, ठीक है। ये क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर एक कप दिख रहा है। इस कप को हम बोलेंगे कैलोरीमीटर कप। और ख़ास बात यह है कि कैलोरीमीटर कप जो है ये कॉपर का बना होता है। किसका बना होता है, कॉपर का बना होता है। अब ये जो कप है, ये कप खाली तो रहेगा नहीं, इस कप के अंदर हम भरेंगे वाटर। क्या भरेंगे, वाटर। ये मुंह तक भर दिया पूरा, क्या भर दिया हमने, वाटर। तो ये जो कैलोरीमीटर कप है जो कि कॉपर से बना हुआ है, इसके अंदर होता है वाटर। अब ये वाटर और जो कैलोरीमीटर है, ये कैलोरीमीटर कप जो है, ये हमेशा कॉन्टेक्ट में रहने वाले हैं, क्योंकि कैलोरीमीटर कप के अंदर ही तो वाटर है ना। तो वाटर और कैलोरीमीटर कप, ये दोनों हमेशा कांटेक्ट में रहेंगे। इस वजह से क्या होता है ना, कैलोरीमीटर का जो टेम्परेचर है वही टेम्परेचर वाटर का भी होगा। समझ में आ रहा है, क्यों, बिकॉज दोनों के दोनों हमेशा क्या है, कांटेक्ट में। तो इनके बीच में हीट एक्सचेंज हुआ रहेगा। और आपको मालूम है जब हीट एक्सचेंज होता है तो दोनों के दोनों जो भी बॉडीज के बीच में हीट एक्सचेंज हो रहा है, लास्ट में बाय प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज दोनों का जो टेम्परेचर है वो सेम हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जो वाटर और कैलोरीमीटर कप है, ये दोनों हमेशा सेम टेम्परेचर में रहेंगे, बिकॉज ये हमेशा कॉन्टैक्ट में रहते हैं। ये बात क्लियर हो गया पक्का। नाउ अब यहाँ पर इनका टेम्परेचर कितना है, इसको मेजर करने के लिए हम एक थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। तो ये ऊपर से मैंने ये थर्मामीटर अंदर डाल दिया। तो ये है थर्मामीटर, जो क्या करता है, चेक करता है कि जो लिक्विड है उसका टेम्परेचर कितना है। जो भी लिक्विड का टेम्परेचर होगा, हमारे कैलोरीमीटर कप का भी वही टेम्परेचर होगा, ओके। अब आगे क्या है, यहाँ पर एक स्टिरर भी होता है। स्टिरर का काम क्या है, मैं आगे आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। फिलहाल याद रखो ये स्टिरर होता है। स्टिरर से आप क्या करते हो, इस वाटर को बस ऐसा हिला सकते हो, ठीक है, ओके। नाउ और कुछ चीज़ें जो आपको जाननी चाहिए, नहीं बस ये मालूम है ना, ये आउटर सपोर्टिंग है, ये इनर सपोर्टिंग है, बस कुछ नहीं, इतना ही बात है, ठीक है। हाँ, ये ऊपर जो ये मैंने बनाया हुआ है, ये क्या है, ये है आउटर कवर, ठीक है। बस क्या है, ये पूरे इंस्ट्रूमेंट जो पूरा यहाँ पे सेटअप है इसको कवर करने के लिए, ठीक है, मतलब इसे बंद रखने के लिए, ठीक है। बंद रखने का मतलब हीट एनर्जी बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है, इंसुलेट कर दिया गया है इसे, बस यही काम है और कुछ नहीं। सो ये कुछ स्ट्रक्चर था कैलोरीमीटर का। आई होप आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस कैलोरीमीटर के थ्रू हम लोग स्पेसिफिक हीट कैसे निकाल सकते हैं किसी भी बॉडी का। तो सबसे पहला तो आपको कोई एक बॉडी कंसीडर करना पड़ेगा जिसका आपको स्पेसिफिक हीट निकालना है, करेक्ट। तो मना लेते हैं, यहाँ पर ये हमारे पास एक बॉडी, ये है बॉडी ए। ये बॉडी ए का स्पेसिफिक हीट मुझे निकालना है, मतलब इसका स्पेसिफिक हीट तो मुझे नहीं मालूम, तभी तो निकालना है मुझे। तो मालूम क्या है इसका, तो मुझे मालूम है इसका मास कितना है, बहुत अच्छी बात है। मुझे मालूम है इसका इनिशियल टेम्परेचर कितना है, बहुत अच्छी बात है। अब कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी तो नहीं मालूम, चलो ठीक है, वो तो कैलकुलेट कर लेंगे हम। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैं क्या करूँगा पता है, इस सॉल्यूशन बोल रहा हूँ इस कैलोरीमीटर के अंदर डालूंगा, यानी कि इस कैलोरीमीटर के अंदर मिक्स करूंगा। ये वाटर और कैलोरीमीटर कप के साथ में क्या होगा, मिक्स होगा। ये मिक्स होगा मतलब अंदर चूरा नहीं हो जाएगा, मिक्स होगा मतलब इनके साथ में क्या होगा, कॉन्टेक्ट में आ जाएगा, ठीक है। अब जब कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये जो ऑब्जेक्ट ए है, इसका कुछ तो मास होगा, कुछ तो मास बोल रहा हूँ, इसका कुछ तो टेम्परेचर होगा। अज्यूम कर लेते हैं कि इसका टेम्परेचर होगा 50 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा, 50 डिग्री सेल्सियस। और जैसा कि आपको पता है कि जो वाटर है और जो कैलोरीमीटर कप है, इनका टेम्परेचर हमेशा सेम होता है। तो मान लेता हूँ कि इन दोनों का टेम्परेचर कुछ तो है, कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस है। कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस। अब क्या होगा, जब इस ऑब्जेक्ट ए को, इस बॉडी ए को आप इसके अंदर डालोगे तो यहाँ पे हीट एक्सचेंज होगा, बिकॉज टेम्परेचर का डिफरेंस है। तो टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से क्या देखने को मिलेगा आपको, कि बॉडी ए से हीट एनर्जी ये लोग
गेन कर रहे हैं, बिकॉज बाय प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज हीट एनर्जी गेन बाय कोल्ड बॉडी इज इक्वल्स टू हीट एनर्जी लॉस बाय हॉट बॉडी। अब यहाँ पे हॉट बॉडी तो ऑब्जेक्ट ए है और कूल बॉडी तो ये दोनों है, कैलोरी मीटर कप और वाटर, तो वो लोग क्या कर लेंगे, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, किससे, ये ऑब्जेक्ट ए से, ठीक है। और फिर क्या होगा, हीट एक्सचेंज होगा तब तक जब तक कि तीनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। तो जो तीनों का टेम्परेचर सेम होगा उसको मैं क्या बोलूँगा, उसको मैं बोलूँगा फाइनल टेम्परेचर टी। क्या बोलूँगा, फाइनल टेम्परेचर टी। तो यह भी फिलहाल इसका इनिशियल टेम्परेचर टी ए है, उसी तरह कैलोरी मीटर कप और वाटर का इनिशियल टेम्परेचर कुछ होगा, ऐसा बोल सकता हूँ मैं, टी सी बोलता हूँ दोनों को, टी सी बोल दूँ चलेगा। तो यहाँ पे जो दूसरा ऑब्जेक्ट है डेट इज़ हमारा वाटर, उसका मास हमें पता होना चाहिए एम डब्ल्यू, उसका टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर टी सी बोलूँगा, ठीक है, वो हमको पता होना चाहिए। उसी तरह कैलोरी मीटर कप, कैलोरी मीटर कप उसका मास एम टू द बेस सी और टी टू द बेस सी हमको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अच्छा हाँ, इसका भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमको मालूम होना चाहिए, हाँ, क्योंकि निकालना तो ए बॉडी का है ना, इन दोनों का थोड़ी ना, इनका तो मालूम होना चाहिए। तो वाटर का स्पेसिफिक हीट क्या होता है पता है, नहीं मालूम, नहीं मालूम, वन होता है, कितना होता है, वन, ठीक है। वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना होता है, वन होता है, और कैलोरी मीटर का कितना होता है, 0.1 होता है, याद रखना हमेशा पक्का। इसको क्यों सी डब्ल्यू बोल दिया, इसको सी सी बोलेंगे, ठीक है। सो आपको क्लियर हो गया ये चीज़, इसका तीनों चीज़ हमको पता है, कैलोरी मीटर का भी तीनों चीज़ हमको पता है, बॉडी ए जो है उसका दो ही चीज़ पता है, इनिशियल टेम्परेचर और मास, ठीक है। इसका जो हीट कैपेसिटी वो हमको नहीं मालूम, ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमको नहीं मालूम, ठीक है, ओके, चलो यहाँ तक तो क्लियर है। अब कैसे कैलकुलेट किया जाता है सर, ये भी बता दूँ, ठीक है, तो चलो वो देखते हैं। तो फिलहाल आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जो आपका ऑब्जेक्ट ए है, आपका ऑब्जेक्ट ए है और जो आपका वाटर है और जो आपका कैलोरी मीटर है, कैलोरी मीटर कप, उसको मैं कैलोरी मीटर ही बोलूँगा, ठीक है। जो आपका ऑब्जेक्ट ए है, वाटर है, कैलोरी मीटर है, ये तीनों की तीनों अब एक साथ आ चुके हैं, यानी कि तीनों की तीनों अब एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ चुके हैं, तो इन तीनों के बीच में क्या होने वाला है, हीट एक्सचेंज होने वाला है, बोलो हाँ या ना, हाँ सर सही बात है, तीनों के बीच में हीट एक्सचेंज होगा। तो मुझे ये बताओ कि हॉट बॉडी कौन है, गर्म कौन है, सर ऑब्जेक्ट ए, क्योंकि उसका टेम्परेचर कितना था 50 डिग्री सेल्सियस, है ना, तो बाय प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज, प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज क्या कहता है, नहीं देखे पिछला वीडियो जाके देखो, प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज कहता है हीट एनर्जी लॉस बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट एनर्जी गेन बाय कोल्ड बॉडी। तो यहाँ पे हॉट बॉडी ये है, तो मैं लिख देता हूँ बाय प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज, बाय प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज क्या है, हीट एनर्जी क्या है, फॉर प्रिंसिपल हीट एनर्जी लॉस बाय हॉट बॉडी, हीट एनर्जी लॉस बाय हॉट बॉडी इज इक्वल्स टू हीट एनर्जी गेन बाय कोल्ड बॉडी, ओके। चलो अब यहाँ पे हॉट बॉडी कौन है, सर हॉट बॉडी तो ऑब्जेक्ट ए है, तो ऑब्जेक्ट ए के बारे में लिखते हैं यहाँ पे, तो हीट एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट ए, ठीक है, इज इक्वल्स टू, यही है ना, हीट एनर्जी ऑफ लॉस्ट बॉडी क्यू ए बोलूंगा उसको। अब हीट एनर्जी ऑफ कोल्ड बॉडी भी, या कोल्ड बॉडी कौन है, ये दोनों के दोनों कोल्ड बॉडी है, इन दोनों को कोल्ड बॉडी बोलेंगे, यस, दोनों का टेम्परेचर सेम है ना, दोनों के दोनों क्या है, कोल्ड बॉडी, ये दोनों के दोनों हीट एनर्जी गेन करेंगे ना, तो दोनों कोल्ड बॉडी हुए। तो यहाँ पे है क्यू डब्ल्यू वाटर वाला और दूसरा क्यू सी, ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या है, कोल्ड बॉडी है, ये दोनों मिलके क्या करेंगे, क्यू ए से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करने वाले हैं, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ क्यू ए, याद करो स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या है, क्यू इज इक्वल टू एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी को क्या बोलते हैं, एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी, यानी कि इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर, ठीक है। सो इधर पे फाइनल टेम्परेचर सिर्फ टी है और इनिशियल टेम्परेचर ऑब्जेक्ट ए के लिए ए है और वाटर के लिए डब्ल्यू और कैलोरी मीटर के लिए सी, ऐसा, ठीक है। सो यहाँ पे लिखता हूँ क्यू ए के लिए क्या होगा, एम टू द बेस ए इंटू सी टू द बेस ए, ये हमको नहीं मालूम, ठीक है, ये सी ए फाइंड करना है, इंटू टेम्परेचर टी ए माइनस टी, फाइनल टेम्परेचर टी हमको कैलकुलेट करना था, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्यू डब्ल्यू, क्यू डब्ल्यू के लिए यही होगा फॉर्मूला, एम डब्ल्यू
CW पता है ये भी है ना, टेम्परेचर TW माइनस फाइनल टेम्परेचर T तक पहुंचेगा ये भी, प्लस QC के लिए M टू द बेस C इंटू सी टू द बेस C इंटू टी टू द बेस C माइनस फाइनल टेम्परेचर T, यही फॉर्मूला होगा, यही होगा ना, यही तो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला, क्या यही फॉर्मूला है। अब देखो जरा ये फॉर्मूले में आपको क्या क्या पता है और क्या क्या नहीं पता है। MA मास पता है ऑब्जेक्ट A का, हाँ सर ऑब्वियस ही बातें मालूम है। CA सर यही फाइंड करना है। TA स्टार्टिंग का टेम्परेचर पता है मुझे, ठीक है। फाइनल टेम्परेचर देखो मालूम पड़ जाएगा, क्यों मालूम पड़ेगा, बिकॉज कैलोरीमीटर के अंदर वो है थर्मामीटर है, तो जैसे ही आप ऑब्जेक्ट ए को डालोगे ना अंदर, तीनों के बीच में जो भी फाइनल टेम्परेचर होगा थर्मामीटर से पता चल जाएगा, तो ये जो फाइनल टेम्परेचर टी है ये पता चल जाएगा हमको, ठीक है। तो ये टी भी हमको पता है, एम ऑफ वाटर का मास पता है, कैलोरीमीटर ऑफ वाटर पता है, टी डब्ल्यू पता है, फाइनल टी मालूम है, एम टू द बेस सी मालूम है, सी टू द बेस सी मालूम है, टी टू द बेस सी मालूम है, टी ये भी मालूम है। तो क्या नहीं मालूम ये सब में, ये सब में सिर्फ एक चीज़ नहीं मालूम, डेट इज सी ए। तो क्या पूरे इक्वेशन में सिर्फ एक चीज़ नहीं मालूम, इसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते? यस सर, घुमाएंगे और कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं स्पेसिफिक हीट, और इस टाइप के मेथड को हम कहते हैं मिक्सिंग मेथड। और ये मिक्सिंग मेथड में हमने किसका यूज़ किया, कैलोरी मीटर का यूज़ किया। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, अगर आ गया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, और जाने दो, हाँ लाइक कर लो मन करे तो। चलो बाय।